गुरु प्यारे एक बहुत सारे जीव कुंडलनी तो बड़े तंग ने। ये जिन्हां दे पक जांदी है उन्हां तो ये थले नहीं आती, पर कई बड़ी छेती प्रगट हो रही है। तो पुछते ने भी अभी तो कोई किया नहीं, कई दो तीन मैनू पिछले दो हफ्तों जी इदा के मैसेज आए, उन्होंने कुंडलनी बाणी पढ़ने के नाल ही उठ पी आ पी। ये गुरु प्यारे है तो परमात्मा की है, उन्हें पाई है, पर यदा जोड़ा नाम का रस्ता है अपना सौखा रस्ता है, तो यह जी बड़ा औखा अभ्यास है। वह उठ पी कि पिछले जन्मों की भगती है, वह जोड़ा पिछले जन्म का भगती करके आया है, उन्हें जो मौका मिलता है इस पास होंगे तो ये उन्होंने छत छेती उठ पी। उन्होंने मुड़के चल भी जाती है थले छेती ढंग, क्योंकि जिते उत्ते होंगी है, जिते अपने पिछे रीढ़ की हड्डी खत्म होंगी है ना, वो थले वाले पासे होंगी है कुंडली, उत्थे चल भी जाती है कईयां दे मुड़के। पर जिहदे पक जाती है, जिवें इत्थे पक गई, इत्थे पक गई, जां पिछले हिस्से दे विच रहिंदी है कईयां दे, कई गुरमुख ने जिहड़े आ बैठे रहिंदे ने ते सुणदे रहिंदे ने, तो वह कहिंदे वी साडे इहनां नूं तंग नहीं करदे। कई वारी इहनां जिहड़े कईयां दे बाली पक जाती है वह तंग भी वह करदी है, सिर दीआं नाड़ां जिहड़ियां ने वह आपां नूं पता बड़ियां सोहल ने। तो फिर कई कोशिश मैं कराई, कई इतने आ गई, क्योंकि इतने जो चलती है तो फिर नुकसान नहीं करती, ठीक है ना। तो जिन्हें नहीं थले आती उन्होंने अखीरी फिर यही होंगे भी ढिले जे बह के तो अपने आप में खाली खिलाच बैठ बह जाओ तो इन सुनी चलो, पंजां सत्तां मिंटां च मध्यम पै जाती है, यह बह जाती है, फिर जो उठती है फिर इस तरह कर लो, ये फिर बह जाती है, इन्हें सुन लग पो, ये ध्यान ला लो, वेखण लग पो, इन सुन लग पो, जाने के इनू जिवें आपां दूजे की गल सुनी दी है तो शरीर ते बोझ नहीं पैंदा, इस तरह इन्हू सुणांगे तो फिर वह इस सिर नूं कुछ नहीं कहती, ठीक है ना। हुण दूजी गल गुरमुख प्यारिओ, बहुत वारी महाराज कई जीव कहिंदे ने वी इह तां उहदी किरपा होएगी तो जपांगे, पर बंदा है बंदगी करना, इस करके उह तों मंगणा पैंदा है, रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिया का मटावो प्रभ सोग, नथावें को तुम थान बठावो, दास अपने को भगती लाओ। ये मंगनी पैंदी है, देनी उन्हें ही है, बख्शनी उन्हें ही है। जो आप बाकी जो चीज़ा मंगते हैं जी चीज़ लोड़ होंगी, सच्चे पातशाह भी दे, सच्चे पातशाह भी कर, तो फिर भगती क्यों नहीं मंग सकते, नाम जपना आप क्यों नहीं मंगते, भी वो भी मंग लाँगे वह भी मिल जाता है। ये चीज़ तो बहुत खुश होकर दिता है। हम मैं तुम अज अपना दसन लगा, क्योंकि बहुत सारे जीव बड़ा चेर हो गया, हूँ 2004 तो कथा शुरू की, 2002 तो भगती कर दी। कई मिले जे कहते जी असी साढ़े को झूठ बोलिया जाता है, साढ़े को खाधा जाता है, तो मैं उन्होंने फिर एक ही गल कहता हूँ सी भी यही छड़न नू तां आपां नाम जपना, ये अपने आप तो थोड़ा छुट जाता सारा कुछ, अपने आप बंदा झूठ तो थोड़ा परे हो जाता है, इस करके नाम जपना है कि इन्हों तो परे हो जाइए। ये जेडे पांच ने अंदर वो ये आपां नू ये वो बंद नहीं होने देंगे, वो भी पांच बॉडीज़ ने, यह कोई सोच नहीं है ताड़ी, ताड़ी सोच नहीं है, वो पांच बॉडी ने माया दे उस दायरे दे विच रहिंदे ने, तीन गुण माया दे दायरे च, तीन गुण की जिहड़ी देह है उहदे विच पांच ही रहिंदे ने, जिन्हों कहिंदे ने इस देही में पंच चोर बसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूटे मनमुख ने बूझे, कोई ना सुने पुकारा।
तो वह तिना गुणा च जो मन आता है उन्होंने नाल पांजो ने छेव मन आ जाता तो मालक वेखो उस तीन गुण माया की देह अमृत भेजता है मन लई तो यू उन्होंने कमला कर दिता है। कमला किदा किया है साढ़े मन में उन्हें अंबल देता अंबल केड़ा वो अंबल केड़ा दिता है कहते अंबल गलोला कूड़का दिता देवन हार मत्ती मरण वसारिया खुशी की दिन चार कहते रब मिलिया तिना सोफिया राखण को दरबार। ये साढ़े मन उन्होंने पंजा ने जिमें आओ भगत की इनू अमल का कूड़ का गलोला देता है अमल गलोला कूड़का दिता देवन हार तो वो की होया कहते मत्ती मरण वसारिया ये मरना भुल गया खुशी की दिन चार इधर कमाया खाया हंडाया ज्ञान इंद्रिया का आनंद माणिया सुख हो गया। पर कहते रब मिलिया तिना सोफिया सोफी जिन्होंने वह जहर न उतार दिता अमल गलोले कूड़े उतार दिता कहते ना नाम जप जप के नाम जप जप के वह उतार दिता तो जो उतार दिता तो गुरमु प्यारे उन्होंने परमात्मा मिल गया सोफी हो गया रब मिलिया तिना सोफिया राखण को दरबार क्योंकि दरबार से जोड़ा सजदा है वह हूँ रब तो कला दरबार नहीं ना सजा सकता वह दरबार के सजेगा जे उ सोफी गुरमुख हो के जाते हैं खेल जित के जाते हैं उस दरबार च बहते ने जिथे निरंकार आप उन्होंने फिर खुश करता है वचन सुना उस दरबार में दरबार रखने वास्ते वह सोफी जेड़े गुरमुख बन गए वो जाके उस दरबार में बैठे तो दरबार सज गया रखिया गया। हुण गुरमुख प्यारे जिन्ना चिर असी नाम जपना नहीं शुरू करांगे नाम नहीं मंगांगे सतगुरु को तो सानू नहीं मिलेगा। इस करके आपां जदों शुरुआत की है प्यारे उदों दारू पीते सी दारू भी पी लैनी छुटनी ना ये छेती छुटदियां नहीं मगर पै जांदियां ने बलावां ते नाम भी जपी जाना ते मिन्नतां भी करी जानियां हे बाबा नानक तू मैनू क्यों नहीं गल लाउंदा तू मैनू क्यों नहीं भगती बख्शदा तो ऐ मैनू लगी जाना मैं पिछों बाबे नानक की संगत च कि गलती की है मैं धक्का मारिया बाहर कड़ता तो गुरमुख प्यारे एक दिन वह आ गया जिदन फिर उन्हें बख्शती मैं करनी भी नहीं सौंती बुकां पढ़ पढ़ के उच्चों सीख के जिन्ना क मैं पता लगता मैं करता ही मेरा तीजे के चौथे दिन जिहड़ी अंदरली बॉडी है उन्हें दस दिता ही भी मैं शरीर होर हाँ ठीक है न। इस तरह ही गुरमुख प्यारे जो गुरमुख लगते ने रूह ना उन्होंने कृपा होंगी है फिर मैं बैठा रहना तो मेरे जो अंदरली बॉडी ने इस तरह अंदरों हरकत करनी मेरे मूँह अपने आप ही निकलना वाहेगुरु तो शरीर के आनंद दियाँ चिणगा फुटनिया हालांकि मैनू करनी भी नहीं आती कि तो मैं कोशिश भी नहीं की थी और परमात्मा दे नाल गुरु नानक के चरणों का प्यार ही इन्ना पै गया भी उन्हें फिर जो कौतक किए वो बंदा सोचता भी किसी दसते खत्म हो जाएंगे नहीं खत्म कुछ नहीं होंगे जिहड़ा भगती करता उन्हें दस देता है। फिर एक दिन ऐसा मौका आया फिर पांच घंटे बाबे ने घुमाया पूरा महीने डेढ़ महीने बाद ही। इस करके गुरमुख प्यारियो गल सब तो पहले अपने मन की है बोलिया रब का की पाना इधरों पुटना तो इधर लाना तिना गुणा चो पुटना तो सच में लाना वह मतलब यह सी तिना गुणा चो अपना मन पुटना तो चौथे पास लाना त्रै गुण मेटे चौथे वरते
यह है भगत नरारी। तो जे अपना प्यार गुरमा प्यारो आ बाहर ही पै गया ना शरीर अंदर नहीं पैना। इज्जत माण सन्मान हर एक का करना है, पर प्यार एक नू करना है, अंदर मालक नू करना है, सतगुरु जी नू करना है। तो गुरमा प्यारे उदो बाद आपां नू जरूरी हुंदा है, मैनू गुरमुखां दे फोन आउंदे ने मैनू खुशी हुंदी। कई गुरमुखां नाल इस तरह बीती जिवें मेरे नाल बीती, कई एक आनंद की अवस्था है तो कई बार घर दे डर जाते हैं। मैं इस करके दस रहा भी जे इस तरह की किसी की अवस्था हो डरना नहीं, ये तो आनंद अवस्था है, ये तो आनंद अवस्था है, ये तो जित हो जाती उन्हें पता लगता है, उन्होंने फिर कहना नहीं पैंता, वो मूँह चो आपे ही निकलना है, आपे ही अपने आप निकलता वाहेगुरु। उन्होंने फिर विचार नहीं, वो मन जुड़ जाता है, विचार तो रहत हो जाता। तो कई बार आप वेखते हैं गुरमुख अठ अठ दस दस साल लगे ने लेकिन विचार तो फिर कहते हैं विचार नहीं हटते। हुण इह कसर कित्थे है? इह गुरमुख अपने च है। ददा दोष ना किन्हों देई, दोष करमा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजना। यह गुरमुख प्यारे आप नाम तो जपन लग पे, कई बार वो आदत नहीं छड़दे, अखां नूं नहीं वरजदे वी नहीं माड़ा ना वेखे, मन नूं वरजदे नहीं कि दूजे दा वास्ते माड़ा ना चितवी, क्योंकि बंदा दुखी उदों हुंदा है जदों उहदे कोलों आप दा दुख नहीं देखिया जाता तो दूजे दा सुख नहीं वेख्या जाता। तो जे दूजे दा सुख वेखी जावांगे, जे भगती भी करी जाने सुख भी वेखदे दूजे दा भी क्यों सुखी है, तो फिर गुरमुख प्यारियो फिर इस तरह अपने आप नहीं निकलना वाहेगुरु। ये उदन निकलना है जिदन मन नू कहा नहीं भाई उहदे विच भी तेरे वर्गा हरी दा अंश है, परमात्मा दी अंश है दूजे शरीर च भी, वह शरीर भावें 84 लाख जून चो कोई भी है उहदे विच उस वाहेगुरु की अंश है। जिवें आपां कहानी सुनते रहे ना पहला कि बाबा कबीर जी को कुत्ता रोटी चुक के लै गया, वह मगर घ्यो लैके भजा जाता है कि भगता भी तू अन चोपड़ी खाएगा लिया मैं चोपड़ दिया। तो उत्थे परमात्मा कहिंदा भी कबीर तू मैनू इहदे विच भी पछाण लिया। इस करके गुरमुख पिसारियो प्यारो पछाण करो, जिन्ना चिर वेख नहीं सकते पछाण करो शब्दां राहीं। घट घट में हर जू बसे संतन क्यों पुकार। अजकल संत ते साधु जिहड़ा बड़ा गुरबाणी दा पवित्र शब्द है ये पखंडियां वास्ते वरतना शुरू कर दिता है। साध पुणा संत पुणा इदां लोग कहिंदे ने, ओ भाई जिहड़े पखंडी ने इन्हां दा कोई होर ना रख लो, जिहड़ा संत ते साधु शब्द गुरबाणी दे विच इन्ना सत्कारयोग है इहनूं क्यों तुसीं नफरत करदे हो? इस शब्द नूं ना नफरत करो, शब्द नूं किसे पखंडी वास्ते ना वरतो। उन्हां वास्ते जे तुहानूं कोई लगदा पखंडी है उहदे वास्ते कोई होर लभ लो, उसनूं संत साधड़ा कह के संबोधन करना शब्द विगाड़ के ये ठीक नहीं। जे को आखे बोल विगाड़ तां लिखिए सिर गवारा गवार, किन्ना पाप खट लैने अग्ञानता दे विच। हुण गुरमुख प्यारे एक गल है, गंधर्व नगरी एक गुरमुख नूं मैं बड़ा जोर लाया, पहला मन गया फिर कहिंदा नहीं मैनू नहीं लगता वह गंधर्व नगरी। वह कहिंदा मैं जिहड़ी चीज़ मन च धार के जावां मैनू अगे वह मिल जाती है।
ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜੈ ਕਿਛ ਆਹਾਂ ਤਹਾਂ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਪੰਚ ਤੱਤ ਤੇ ਨਾਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਣ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਣਾ ਬੁੱਝੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤੇਹਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਇਹਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਵਣ ਨਾ ਪਾਵਕੋ ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਆਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨੇ ਭੌਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚੌਥੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਚੌਥੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਉਮੇ ਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਟ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਗੇ ਕਾਵੇ ਸੀਤ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਰਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੇ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤੁਰੋਂ ਹੀ ਹੋਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਦਰਵਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਰਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਰਹੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਮਨ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਟਟਹਿਣੀ ਅਰਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਟਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਮੈਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਆਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਵੜ ਗਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਰੂਪ
मैं अपनी है होंद वक्री जिहड़ी निरंकार तों है। जिन्ना चिरे मैं अपने रहनी है ना, भी मैं रवां, मैं मिटा ना, मैं खत्म ना आवां, मैं परमात्मा नूं मिल जावां पर मैं ना मिटा। इस करके बाबा जी ने अपां समझाया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तब तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अरे मैं कब्जा किवें छड्डे, भी मेरा घर कित्थे जाऊ, मेरी जमीन कित्थे जाऊ, मेरा बिजनेस कित्थे जाऊ जे मैं ही मर गया। यही चीज़ा उन्हें खेल है, यही चीज़ा सानू दित्तियां ने, भी ये वस के ये रह के मैनू मिल के विखा। ये हुण हिम्मत है। तो गल छोटी जी है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम कर लिया ये सारा कुछ जितया गया। तो प्रेम करन वास्ते जिन्ना चिर असी माया दे विचारां दे विच आ, प्रेम कित्थों होना है? ठीक है ना। हुण जदों आपां भगती लग गए, साढ़े मन च ये आ गई, असीं आ सच नूं वेख लिया, दर्शन कर लै, रात दिने मालक दी तड़फ लग गई, जे बैठे वी आ तां इहदे विच बैठे रहो, इहनूं विच लै लैणा वी मैं इस विच बैठा। इहनूं कहिंदे ने मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा, कारज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो को मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। ये हुई है सुरती करके दे विच बैठे रहो, अखां खोल के बैठे रहो जां मीट के बैठे रहो, तुहाडी मर्जी है। देखो किन्ना सौखा है, ते तुहानूं त्रै गुण पोह नहीं सकणगे। जिन्ना चिर तिन गुणां दा भरम नहीं जाएगा, उन्ना चिर ये गल नहीं बणनी। हुण गुरमुख प्यारिओ गंधर्व नगरी की है, बड़ी छेती पार हो जाती है, निरंकार वाला पासा चिर लगदा। उहदे विच की हुंदा, पहलां आपां नूं ना रंग विखाए जांदे ने, रंग ओह रंग ने, जिवें पौण है इहदा रंग हरा है, मिट्टी का रंग पीला है, ठीक है ना, पौण पानी अगन का रंग लाल है, पानी का रंग चिट्टा है, तो आसमान का रंग है जिहड़ा पर्पल है, बड़े चमकीले रंग ने। हुण उन्होंने भी पता है अंदरों भी इन्हें निरंकार का सरूप वेख्या नहीं, वह खेल है, खेल के जो आप दिखाते हैं कई अखा खोल के भी ना, जो इतने वेखते हैं उन्होंने यही रंग देते हैं, पीला जामनू हरा, वो इनू परमात्मा समझते हैं। इस करके अपन सावधान किया, रूप न रेख न रंग किश, त्रै गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बजावे नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। हुण एक रंग जिहड़े आपां तिन गुण माया च वेख लैने, लाल पीला हरा पर्पले, तो रंग आपां वेखने हैं, तो वह इन्ह रंगा तो भिन्न है। हुण भिन्न किवें, वह शीशे वर्गा है। सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याई, दर्पण शीशा जिहदे विच मूँह वेखदे उहदा रंग कोई नहीं पर हैगा है। इस तरह निरंकार का रंग कोई नहीं लेकिन हैगा है, उहदी होंद है, प्रकाश रूप उहदी होंद है। पर जदों रंगां दे विच बंदा पै जांदा, रंग सोहणे लगदे ने, उह वेखी जांदा। इन्हां रंगां दे वेखदिआं वेखदिआं जिहड़ी गल है ना, उह पूरी होण लग पैंदी, आवाज़ां आउण लग पैंदियां ने वी तेरी भगती पूरी हो गई है, मंग जो मंगणा, ठीक है ना। फिर बंदा जिहो जिहा आकार इधर वेख लिया, फोटो वेख ली गुरु नानक पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की, यह मनघड़त ने, उहो जिहा आगे कर दे पैणा। जे माया की कोई पूजा करता है तो इहनूं माया ही कहिंदे ने, इन्हां शरीरां दे आकारां नूं अगे दिखणा। बहुत सारे कहिंदे ने सानूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन ने। गुरबाणी पढ़ो गुरमुखो, गुरबाणी पढ़ो, उत्थे आकार नहीं है, सच है, वह सच का रूप हो चुके ने पातशाह। जे कोई माता की फोटो वेख के माता की भगती करदा, उहनूं माता उत्थे अगे माता प्रगट हो जाती,
आकार जिहड़े भी आकार नूं तुसीं कहोगे मैं मिलना उह तुहानूं अगे ते तुसीं उह नूं समझ जांदे हो कि इह 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 परमात्मा इह विष्णु जी ने इह दूसरा गुरु नानक जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने इह माता है इह प्रगट हो गए ने ते साडी गल बण गई। गुरमुख प्यारिओ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਮਨੋ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਛ ਆਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰਲਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਇਆ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਪ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈਏ ਅਤੇ ਸਤ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਸ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਾਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਲੁਕੋ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ।